हेलो एंड वेलकम बैक टू कुक लाइक अ बॉस। आज का स्पेशल है स्प्लिट मूंग दाल वड़ी। तो स्टार्ट करें। टू स्टार्ट, पहले दाल को 8 घंटे के लिए पानी में भिगा दीजिए। 8 घंटों के बाद अभी इस दाल में से छिलके अलग करने होंगे। मेक श्योर टू लुक क्लोजली एट द टेक्निक। पहले अपने हाथों से दाल को 2-3 मिनट के लिए मिला दीजिए और ऐसे मल दीजिए। इससे छिलके जो है वो दाल को छोड़ देते हैं। Now strain the dal in a back and forth motion. This will ensure the peels fall off and the dal stays in the bowl. Repeat this process till you barely see any peels in the bowl. Now blend the dal with very little water into a coarse mixture. The water you use should be enough to blend the dal but make it a thick batter. Now add all the other ingredients into the batter. Green chilies, जिंजर पेस्ट, कोर्सली ग्राउंड पेपर, सॉल्ट, हींग, शाही जीरा, सोडा एंड कोरिएंडर लीव्स। Now mix and beat the batter to add air to the batter. The batter for the vadi is ready. अभी एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लीजिए। थोड़ा बैटर हाथ में लेकर छोटी छोटी वड़ियां ऑयल में ड्रॉप करते जाइए। इन वड़ियों को मीडियम फ्लेम पर कुक कर लीजिए। जब ऐसा गोल्डन कलर आए तो वड़ियां ऑयल से निकाल लीजिए। ये वड़ियां एकदम क्रिस्पी बनती हैं। इन्हें चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।